आज का टॉपिक है सरफेसी, और सरफेसी एक्ट जो ये एक्ट है उसकी रीडिंग का जो फायदा है आपको, एक तो जो जेआईआईबी में और उसके साथ साथ सीएआईआईबी, जेआईआईबी सीआईबी, जेआईबी का जो एलआरएबी सब्जेक्ट है उसमें से 3 to 4 मार्क्स यहाँ से पूछता है, और सीआईबी की बात करें तो रिटेल में है ये, और रिटेल पेपर में 6 to 8 मार्क्स का पूछ लेता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक के साथ साथ इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं, SARFAESI। तो वर्टिकल मैंने लिखा है, आज हम बात कर रहे हैं सरफेसी एक्ट की, सरफेसी को समझते हैं, सरफेसी क्या होता है। तो इसको समझने से पहले सबसे बैकग्राउंड की बात करते हैं हम लोग, कि ये सरफेसी क्यों आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ऐसी कौन सी बातें थी जिसकी वजह से सरफेसी आया। तो अगर हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करें बैंक से रिलेटेड, और बैंक जो है लोन देता है, बैंक लोन देने के बाद कई बार ऐसा होता है कि बैंक के जो लोन लोग लेते हैं वो लोन रिपे नहीं करते, विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ गुंडा लोग होते हैं, कुछ मजबूरी में नहीं कर पाते, कुछ भी है। अगर इन सारे लोन्स के अगेंस्ट में बैंक ने कोई भी सिक्योरिटी ले रखी है तो उसको लिक्विडेट नहीं करा पाते। तो जो पूरा सिस्टम पहले चलता था, उस पूरे सिस्टम में सबसे पहले बैंक के पास जो रेमेडी होती थी, बैंक कैसे रिकवर करता है उसके बारे में बताते हैं। बैंक सबसे पहले अपने रिकवर करता है, जो बैंक में ऑपरेशनल स्टाफ होता है, फील्ड ऑफिसर। तो फील्ड ऑफिसर होता है, उसके बाद आपका ब्रांच मैनेजर होता है, उसके बाद कलेक्शन एजेंसीज होती हैं। जब इन सब चीजों से वो रिकवर नहीं कर पाता बैड डेट को, तो उसके बाद नंबर आता है नेक्स्ट लीगल रेमेडी का। लीगल रेमेडी में बैंक के पास अपने बैड डेट को रिकवर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस को भी आजकल जो बोरोवर हैं, पढ़े लिखे बोरोवर हैं, उनके एडवोकेट्स क्लाइंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उसको उस नोटिस को भी किसी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं मिल पाता। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आप सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट, अब सिविल कोर्ट में आप अगर आप कोई एप्लीकेशन जज को देते हैं, कोर्ट को देते हैं, तो उसमें भी टाइम लग जाता है, और टाइम लगने के बाद, बहुत टाइम लगने के बाद डिसीजन आता है, डिसीजन आने के बाद अपील होती है, और अपील के बाद फिर डिसीजन आता है, फिर अपील होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये अगेन काफी समय हो जाता है, और ऐसा कह सकते हैं कि 20 ईयर्स लग जाते हैं। तो यहाँ जो है सिविल कोर्ट में 20 ईयर्स लग जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन ऑप्शन आता है आपके पास, डीआरटी स्टेब्लिश हुए, दैट रिकवरी ट्रिब्यूनल अपॉइंट हुए, और वो 1993 में ये चलता रहा। अब इसमें भी क्या हुआ, डीआरटी में भी प्रैक्टिस करने वाले वही एडवोकेट्स आ गए। तो जब वही एडवोकेट्स आ गए तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को वही उसी तरह से तारीख पे तारीख वाले सिस्टम को ला दिया। हालांकि इसमें बहुत सारे ये थे कि 180 डेज में हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तब उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्ट लाना चाहिए जिसमें बैंकर्स को पावर आ जाए। तो उसके बाद आया सरफेसी एक्ट, और ये जो सरफेसी एक्ट आया 2002 में आया, ये बहुत ही पावरफुल एक एक्ट आया। इसके बाद, इस एक्ट के आने के बाद बैंकों के या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो भी डेट है, क्रेडिट यानी लोन है, ये किसी व्यापारी के लिए नहीं आया, ये आया केवल लेंडर्स के लिए। जितने लेंडर्स इंडिया में हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से काम करते हैं, जिनको आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है, उन लेंडर्स के लिए
ये एक एक्ट आया सरफेसी 2002 एक्ट, उस सरफेसी एक्ट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया, ये इसका बैकग्राउंड है, बहुत ही इसमें पॉइंट्स हैं, बहुत सी बातें हैं जो सबको आपको सीख लेनी चाहिए। तो अब इस सरफेसी को एक्ट को समझने के लिए, ये जो हमने यहाँ पे सरफेसी लिखा हुआ है, इस सरफेसी में पूरा सरफेसी एक्ट है। अगर आप इसको बहुत ढंग से समझते हैं तो आपको सरफेसी एक्ट भी बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। तो इसको मैं एक पार्ट बनाता हूं एस ए आर। एस का मतलब है सिक्योरिटाइजेशन, एंड रिकंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ किनका? फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स से मतलब है जो लोन्स हैं आपके। तो क्या हुआ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, तो पहला पार्ट ये है किन चीज का, तो ये है आपका वर्ब यानी एक्शन फॉर व्हाट, किन के लिए है एक्शन, फाइनेंशियल एसेट के लिए है। और इसके बाद ईएसआई एनफोर्समेंट, ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये हमारा पूरा एक्ट का क्रक्स है। क्या क्रक्स है इसका एक्ट का? एस ए आर, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, दो काम करने हैं आपको, दोनों में से जो भी जरूरी हो वो करेंगे, यानी एक्शन करना है। किन चीजों करना है? फाइनेंशियल एसेट्स का। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है जो भी लोन दिए गए हैं, उन लोन्स को हम यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स बोल रहे हैं। और क्या करना है? एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एनफोर्समेंट, ये अगेन वर्ब आ गया यहाँ पे आपका, यानी क्रिया होना है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सरफेसी एक्ट सारे सिक्योर्ड लोन्स के लिए काम करता है। अगर लोन आपका सिक्योर्ड है तभी उस एक्ट का जो है इंपॉर्टेंस है, अगर लोन आपका सिक्योर्ड नहीं है तो इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वहां पर नहीं लग पाएगा। ठीक है, अब बात आती है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब होता है लीगल एक्शन एग्जीक्यूट करना या लागू करना। एनफोर्समेंट माने लागू करना। अब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया इस बोरोवर का जो है आप क्या कर ले, इसकी जमीन आप बैंक से बोलता है कि आप ले ले। अब जब वहां लेने जाता है तो वहां गांव वाले उसे डंडा मार के भगा देते हैं। पुलिस में जाता है तो पुलिस में गांव वालों ने या जिसका भी केस है उसने पुलिस वाले को 50,000 रुपए दे दिए तो पुलिस वाला सुनता नहीं है, कहते जब समय होगा तब बात करेंगे। तो उतनी पावर दी गई, कैसे कैसे दी गई अभी बात करते। तो इतना समझ में आ गया है तो बताइए, और जिसको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मन में इतनी देर में कोई क्वेश्चन अगर आपका आया है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर सिक्योरिटी नहीं रहती ना पर्सनल लोन के लिए, सिक्योरिटी तो रहती नहीं है, मतलब उसकी जॉब ही रहती है बस। हाँ तो नहीं लगेगा, तो फिर ये बिल्कुल क्लियर रहने लगे। सरफेसी एक्ट का बेसिक वो है कि उसके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, और सिक्योरिटी भी कौन सी, टेंजिबल, जो दिखती हो आपको, ऐसी सिक्योरिटी चाहिए। तो वहां एप्लीकेबल नहीं होगा ये, बिल्कुल नहीं होगा। सर व्हाट अबाउट गोल्ड केस? सर गोल्ड केस में तो आपके पास पहले से सिक्योरिटी है, पूरा पूरा गोल्ड आपके कब्जे में। सर ये एग्रीकल्चर में लगेगी? सर एग्रीकल्चर में बिल्कुल नहीं लगेगा।
सर ये चेकबॉक्स केस में सर नहीं लगेगा। चेकबॉक्स केस में नहीं एग्रीकल्चर लगेगा। इस केसेस ही देते हैं सर, उसमें लैंड रखते ना सर उसका। पे नहीं लगेगा नहीं, सर। सरफेस ही नहीं लगता। अभी हम बात करेंगे इन पर डिटेल में। हाँ कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है कि जिसमें लागू नहीं होता? एग्रीकल्चर सिक्योरिटी पे लागू नहीं होता है। उसके लिए अलग कोई होता होगा एक्ट? नहीं वो सब चीज अलग है। अभी हम क्या है सरफेस ही पढ़ रहे हैं। सरफेस ही में क्या लागू होगा क्या नहीं होगा, कैसे उसकी रिकवरी होगी, वो सब बातों पे बात करेंगे। सर वो डीआरटी का थोड़ा एक बार और बताइए ना, आप बता रहे थे इसके पहले रहता है, सरफेसी के पहले बताया था। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। और कुछ पूछिए सर। एक अमाउंट ट्रिब्यूनल होता है ना सर, अपराइट क्या जी? अपराइट ट्रिब्यूनल, एपलेट ट्रिब्यूनल होता है, इसमें कवर करेंगे हम लोग। कितने अमाउंट तक का इसमें डीआरटी में जा सकता है केस सर? सर सिक्योरिटी यदि ये भी बताते हैं। हाँ सर, सिक्योरिटी के झूठे पेपर सबमिट करके किया तो चलेगा क्या सर? उसमें नहीं लगेगा? चलेगा नहीं। आपके पास देखो ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी का इंटरेस्ट, आप उस सिक्योरिटी पे क्या आपका हित है, क्या इंटरेस्ट है? तो अगर आपने सही सिक्योरिटी ली है, ठीक है, और उसका पूरा लीगल प्रोसेस किया हुआ है, तभी ये लगेगा। चलो आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आए, उसको हम आगे बात करते हैं। इतनी सारी बातें हमारी हो गई हैं और उस चीज के पॉइंट टू पॉइंट पर अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहली बात है सिक्योरिटी क्या चीज होती है। सिक्योरिटी के टाइप की बात करते हैं पहले। तो सिक्योरिटी के टाइप की बात करते हैं, एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, और इसके अलावा आपका गोल्ड है, स्टॉक है, प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें सिक्योरिटी में आती हैं। सर स्टैंडिंग क्रॉप को सिक्योरिटी नहीं लेते हैं क्या सर? है गोल्ड में सरफेसी? नहीं अभी मैं सरफेसी की बात नहीं कर रहा। ओके, मैं बोलता सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है। ओके 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 ठीक है, अभी मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। क्रॉप को भी मैं अलग से ले लेता हूँ। फाइनेंशियल में बात करेंगे तो बैंक की, पोस्ट ऑफिस की, इंश्योरेंस की, आपका इक्विटी शेयर्स की, ठीक है, और मिसलिनियस, एक तरह की सिक्योरिटीज ये हो गई। ठीक है, गोल्ड हो गया। स्टॉक में टू टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है स्टॉक में? एक तो होता है लाइव स्टॉक, एक होता है डेड स्टॉक। तो लाइव स्टॉक से मतलब ये है कि जैसे आपके एनिमल्स हैं उनको लाइव स्टॉक बोलते हैं, मछलियां हैं, पोल्ट्री फार्म है, डेयरी है, पिगरी यूनिट है, ठीक है। दूसरा डेड स्टॉक, डेड स्टॉक में आपका जो है गेहूं है, आयरन है, जो भी स्टॉक आपके शॉपकीपर में जनरल स्टोर ने रखा हुआ वो होगा, ठीक है। प्लांट मशीनरी की बात करेंगे तो इसमें आपका व्हीकल, व्हीकल भी आता है और मशीनरी भी आती है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग में बात करेंगे तो ये भी टू टू टाइप की हम कैटेगराइज करते हैं। वन तो है एग्रीकल्चर और सेकंड आता है रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल, ठीक है। और इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सप्लाई बिल भी सिक्योरिटी होता है, आपके हिस्से का नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी सिक्योरिटी में आ रही हैं इसमें। सर एक क्रॉप वाला जो लिए एग्रीकल्चर इसमें नहीं आएगा फिर? नहीं अभी तो मैं बता रहा हूं कि कितनी सिक्योरिटीज होती हैं।
अभी जो हमको लेना है अभी मैं उसमें राउंड ऑफ करूंगा, लॉजिक बताऊंगा कि क्यों लिया जाएगा क्यों नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी सर। ओके क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि किसमें लिया जाएगा सरफेसी किसमें नहीं लिया जाएगा। देखिए ये जो चीज है इसमें नहीं लिया जाएगा उसका रीजन क्या है, ऑलरेडी इन पोजिशन, ऑलरेडी इन पोजिशन। अब ऑलरेडी इन पोजिशन का मतलब क्या है, आपकी कस्टडी में है, ये सिक्योरिटी आपकी कस्टडी में है। और यहां पर जब हम बात कर रहे थे एनफोर्समेंट की, तो एनफोर्समेंट जो है ऑफ किसका है, एनफोर्समेंट सिक्योरिटी का है। तो उन सिक्योरिटी के एनफोर्समेंट से मतलब क्या है, टेक पोजीशन, टेक पोजीशन, यानी जो भी सिक्योरिटी आपने दी है उसको अपने कब्जे में लेना। अब कब्जे में लेने से मतलब क्या है कि कब्जे में आपने लिया तो ही तो आप उसको सेल कर पाएंगे, और जो चीज आपके कब्जे में नहीं है उसको सेल कैसे कर पाएंगे। तो जहां हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो वो ऑलरेडी इन पोजीशन है, पहले से आपके कब्जे में है वो। सर बैंक डिपॉजिट जो है हाँ उसको लियन में लेंगे या असाइनमेंट में, एक चीज थोड़ा कंफ्यूज है इसमें। बैंक डिपॉजिट हमेशा लियन में होता है, लेकिन सर असाइनमेंट में सर पढ़ाए थे एक बार तो वो असाइनमेंट बोले थे, हम भी भाई जैसे एसटीडीआर वगैरह करते हैं तो लियन करते हैं उसको। सर पेपर के हिसाब से असाइनमेंट ही होना चाहिए, जेआईबी पेपर के हिसाब से। अच्छा बुक में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं बुक में हम नहीं देखे, सर पढ़ाए थे एक बार तो इसलिए हमको पता। नहीं मेरे को लियन के बारे में एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट आप में से सुन लीजिए, लियन वो चीज होती है जिसका कब्जा आपके पास होता है, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको आप डेबिट क्रेडिट कर पाए। तो बैंक डिपॉजिट है आप उसे डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं तो आप उस पर लियन लगा देते हैं, ठीक है। असाइनमेंट वो चीजों का होता है जिसका कब्जा किसी दूसरे के पास होता है और वो एक्सनेबल क्लेम होते हैं। एक्सनेबल का मतलब वो जब तक कोई क्लेम नहीं करता तब तक वो मिलते नहीं है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज का। हाँ LIC को जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनका असाइनमेंट इसलिए होता है कि आप पहले क्लेम करते हैं। ऐसे ही मैंने यहां एक चीज और लिखी है, सप्लाई बिल, ये भी एक्सनेबल क्लेम होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप कोई सप्लाई करेंगे जब तक क्लेम नहीं करते मिलता नहीं पैसा वहां पे, ठीक है। और जो आपका ये बुक डेट होते हैं, बुक डेट भी एक्सनेबल क्लेम में आते हैं, तो ये भी क्या है, बुक डेट भी असाइनमेंट की तरह होते हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि बैंक जो है बैंक डिपॉजिट पर लियन लगता है, ठीक है। और कहीं अगर ये रिटेल स्टेटमेंट मिलेगा तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं, या मैं और रिफाइन इसका कुछ फॉर्म लेके ढूंढ के आपको बता सकता हूं, ठीक। तो ये बात आ गई क्लियर कि जो पोजीशन में है, हम यहां बात कर रहे थे टेक पोजीशन, तो जो चीज पहले से पोजीशन है उसमें सरफेसी की जरूरत नहीं है, ठीक। और क्या पोजीशन में ले सकते हैं आप, ये जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक को प्रैक्टिकली पोजीशन में लेना मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल हो जाता है, अगर आप उसे पोजीशन में लेंगे तो उसे चारा भी खिलाना पड़ेगा, मींस उसका देखभाल भी करना पड़ेगा, यानी हैंडल आसान नहीं होता। ऐसे ही जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें से व्हीकल आसान होता है पोजीशन में लेना, क्योंकि जो मशीनरी है उस मशीनरी को जहां वो लगी हुई है अगर आप वहां से उखाड़ के ले जाएंगे तो फिर वो किसी शायद काम की ना रहे। और अगर आप कहीं पोजीशन में लेंगे तो वो जितना काम कर रही थी वो भी नहीं करेगी। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो मैं बात कर रहा हूं। और लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो लैंड बिल्डिंग होता है उसका पोजीशन देते हैं, लेकिन सरफेसी एक्ट में बिल्कुल साफ साफ बोला हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड का आप पोजीशन नहीं लेंगे इस एक्ट में। यानी किसानों को डराना नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी रेजिडेंशियल लैंड या कॉमर्शियल लैंड आपको एज ए सिक्योरिटी दे रखी है, उसको आप पोजीशन में ले सकते हैं, ठीक है। क्रॉप को भी आप पोजीशन में नहीं ले सकते,
ठीक है सर। ये एग्रीकल्चर में जैसे कभी कभी प्राइवेट बैंक वाले कभी नीलामी निकालते हैं एग्रीकल्चर लैंड का, तो वो किस बेस पे क्या करते हैं सर? वो सिंपल उनका नॉर्मल प्रोसेस होता है, वो सरफेसी से नहीं है सर। एज पर कोर्ट जजमेंट, एज पर कोर्ट जजमेंट सर। हाँ कोर्ट का जजमेंट है तब वो नीलामी निकाल लें। यस सर, यस सर। वो सरफेसी में नहीं है। तो सरफेसी में बहुत मोटी बात अगर हम करते हैं तो एक तो है लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग किसका होना चाहिए? रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल? कॉमर्शियल होना चाहिए। और सेकंड चीज है व्हीकल, इन चीजों में लगता है। और यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इसमें तो जो सिक्योरिटी चार्ज लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? इक्विटेबल मॉर्गेज से। और व्हीकल पे कौन सा लगाते हैं? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन। तो एक क्वेश्चन आपका कई बार डाउटफुल ये रहता है कि कौन कौन से चार्ज वाले सिक्योरिटी सरफेसी में लिए जा सकते हैं। तो सरफेसी में या तो हाइपोथिकेशन चार्ज वाले और या फिर इक्विटेबल चार्ज वाले। तो दो चार्ज में अगर आपने सिक्योरिटी रखी है तो ही आप सरफेसी लगा सकते हैं। जो एक क्वेश्चन आया था कि इसमें जो है जो सिक्योरिटी है उसमें आप तो या तो लियन लगा रहे हैं या क्या लगा रहे हैं? असाइनमेंट लगा रहे हैं। तो ये लोग, इनके लिए सरफेसी नहीं लगता है। ठीक। अच्छा, स्टॉक में जब बात आई हमारी हाइपोथिकेशन की, तो ऐसा स्टॉक जो डेड स्टॉक है और आप लगता है आपको कि आप जो है 500 गेहूं की बोरी रखी हुई है उसको अपनी ब्रांच में लाके लॉक में रख सकते हैं, ठीक है, तो आप लगा लीजिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वाइबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर आप गेहूं उठा के ले आए, रखेंगे कहां, सेल कैसे करेंगे, किस रेट में करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत होती है। जबकि इस केस में इसके लिए क्या है, लैंड बिल्डिंग अगर आपने सरफेसी लगा दिया तो कहां रखेंगे आप बताइए, कहां रखेंगे? जहां है वहीं रहेगा, जहां है वहीं रहेगा। क्लियर है? और क्वेश्चन की बात आ रही है व्हीकल के लिए, इसके लिए भी एजेंसी बना हुआ है सर। है सर, इसके लिए भी एजेंसी बना हुआ है सर। किसके लिए? फॉर एग्जांपल जो अभी आप गेहूं का एग्जांपल लिए सर, वेयर हाउस बना हुआ है, वेयर हाउस ब्रांच में नहीं रखता है सर। नहीं नहीं, सुनो सुनो, वो तो रखा हुआ है लेकिन वो प्रैक्टिकली आपके लिए बड़ा एक सरदर्दी वाला काम हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर वो तो वेयर हाउस में पोजीशन लेता है ना? हाँ, वही पोजीशन लेता है, चाबी ले लेता है। नहीं, वो पोजीशन जो लेता है वो सरफेसी वाला नहीं है, वो तो प्लेज वाला है। जो सिक्योरिटीज का चार्जिंग होता है, हाइपोथिकेशन होता है और प्लेज भी होता है ना, तो प्लेज कर सकता है और उसकी चाबी वगैरह अपने पास रख लेता है, ठीक है। और अगर आपके पास चाबी है तो क्या आप सरफेसी लगाएंगे? नहीं सर, वो तो पहले से है आपके पास। तो यहां मैं फिर एक बात दोबारा बता रहा हूं आपको कि प्रॉब्लम क्या है कि टेक पोजीशन है, तो जिसका पहले से पोजीशन है उसमें सरफेसी क्यों लगाना? Yes, तो एक पॉइंट हो गया टेक पोजीशन। दूसरा क्या है? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन से, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है वो जो लोन है उसकी जो यूनिट है उसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है उसकी स्टडी करना। क्या हम मैनेजमेंट बदल करके उसको अच्छा काम कर सकते हैं, उस चीज को देखना। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको सेल करने का ट्राई करना। ये सब रिकंस्ट्रक्शन में आते हैं। ये लोन का रिकंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन नहीं, लोन का रिकंस्ट्रक्शन। लोन का रिकंस्ट्रक्शन का मतलब लोन को क्या ऐसा क्या चेंज करे कि जिससे लोन अच्छा हो जाए हमारा, और अच्छा नहीं हो सकता तो पूरा सेल हो जाए और हमारा पैसा आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं हम। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर। एजुकेशन लोन 7.5 लाख से जो ऊपर वाले होते हैं
उनमें जो हम लोग प्रॉपर्टी का मॉर्गेज लेते हैं तो क्या वो आएगा सर किसी? बिल्कुल आएगा। ऐसा कोई भी लोन जिसमें आपके पास लैंड और बिल्डिंग रेजिडेंशियल की या कॉमर्शियल की सिक्योरिटी है और वो आपका लोन नहीं दे रहा है, सरफेसी लगा सकते हैं, क्योंकि वो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है ना, इसलिए पूछा। हाँ नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटी किस फॉर्म में रखी जाती है? ऐसे ही तो रखते हैं आप, इक्विटेबल मॉर्गेज सर, ये रखते हैं ना। अगर इक्विटेबल मॉर्गेज आपने प्रॉपर्टी रखी है तो लगेगा बिल्कुल। सर हमारे यहाँ जो है जैसे कोई व्हीकल लोन करते हैं तो उसकी एक चाबी फाइल के साथ जो है इंक्लोज हो जाती है, वो इसीलिए तो कब्जे में लेने के लिए। हाँ तो उसके लिए तो कोई सरफेसी में जाने की जरूरत ही नहीं है, खाता हमारा बहुत D1 D2 में गया तो नाम उसकी चाबी मेरे पास है। ये क्लियर करिए, सुनिए, सरफेसी नाम का कोई कोर्ट नहीं है, सरफेसी एक कानून है। उस कानून ने ब्रांच मैनेजर को इस बात की पावर दे रखी है, इस बात की पावर दे रखी है कि ब्रांच मैनेजर यानी बैंक, तो जब उसके पास पहले से चाबी है और ब्रांच मैनेजर फील्ड अफसर या किसी ड्राइवर को लेके उस चाबी को लेके जाएगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा, अपने कब्जे में ले आएगा, अगर उसे प्रॉब्लम होगी तो किससे हेल्प लेगा वो? पुलिस का। बोलिए सर, डीसी ऑफिस से, डीएमसी या सीजीएम से? सीजीएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या डीएम को इस बात की पावर दे रखी है कि आपको ब्रांच को प्रॉब्लम है तो डीएम को चिट्ठी लिख दो, वो अपने आप सारा अरेंजमेंट करेगा, आपकी सिक्योरिटी करेगा पूरी। यस सर। पुलिस की जरूरत होगी तो पुलिस भेजेगा, सीआरपीएफ की जरूरत होगी तो सीआरपीएफ बुला लेगा, लेकिन आपका ताला लगवा देगा, आपकी गाड़ी आपके ब्रांच तक पहुंचवा देगा या जहां आपने स्टॉक यार्ड रखा हो वहां तक पहुंचा देगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सीएम और अबव जो है एक नोटिस देता, सॉरी 13-2 का, तो जो भी जिस ब्रांच में सीएम नहीं है और उसने मॉर्गेज किया हुआ है तो उनके लिए ये है कि वो अपने ब्रांच से नोटिस नहीं भेजते, उनके लिए नोटिस फिर आरओ से आता है, आरओ से कस्टमर के लिए, और जो सीएम लेवल की ब्रांचे होती हैं चीफ मैनेजर लेवल की उसमें वो खुद ही नोटिस भेज देता है, ठीक है? एक बात, और इसके लिए कितना समय मिलता है बताइए? 30 दिन। कितना? 60 दिन सर। बिल्कुल, 60 दिन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लिखेंगे बैंक को लिखेंगे, भाई ये जो आप काम कर रहे हैं ये इसलिए नहीं करना चाहिए, इसमें ये कमियां हैं। अब बैंक को राइट है, क्या करे वो बैंक, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे? विद इन 60 डेज। हाँ, वो विद इन 7 डेज तो उसकी चिट्ठी आने के बाद है, चिट्ठी आने के बाद, ठीक है? यस सर। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, बैंक को 7 डेज में रिप्लाई करना है। हाँ, विद इन 7 डेज में बैंक एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो आमतौर पर एक्सेप्ट करेगा तो कस्टमर की बल्ले बल्ले है, लेकिन रिजेक्ट पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है 7 दिन बजे। क्यों बैंक को इतना कम समय क्यों दिया भाई? बैंक अगर किसी के अगेंस्ट में सरफेसी लगा रहा है तो इसका मतलब उसने सारी फाइल बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली है, उसने देख लिया कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे, ठीक है? क्लियर होगी बात? अच्छा, और आगे देखते हैं यहाँ पे। सर एक बार और बता दीजिए, ये 60 डेज वाला कौन करता है? 60 डेज वाला ब्रांच नोटिस देती है, ब्रांच जो है नोटिस देती है, अगर ब्रांच में सीएम है तो सीएम जाएगा, नहीं तो आरओ से जाएगा, इसको हम नोटिस बोलते हैं। डिफॉल्टर को नोटिस देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डिफॉल्टर। हाँ।
सर द वर्ड यूज फॉर सीएम इज ऑथराइज ऑफिसर दैट इज आल्सो वन सर हाँ बोलो सर द वर्ड यूज फॉर साइन इन अथॉरिटी दैट इज सीएम दैट इज यूज ऑथराइज ऑफिसर दैट इज आल्सो वन पॉइंट ऑथराइज ऑफिसर का मतलब है जो नोटिस सर्व होगा तो देखो कोई भी चिट्ठी जाती तो नीचे साइन होते हैं हाँ. तो जो साइन करेगा Authorized वो सीएम एंड अबव होगा यस सर यस सर यस सर ठीक अच्छा अब 60 डे में कुछ नहीं हुआ और यहां पर बैंक ने रिजेक्ट कर दी तो ये क्या करेगा बोरोवर डिफॉल्टर कहां जा सकता है बताइए यहां डीआरटी जा सकता है वो डीआरटी में क्यों जाएगा अपनी अपील देगा कहेगा बैंक वाले मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं और डीआरटी उस प्रोसेस को रोक सकता है या कह सकता है कि नहीं आप कंटिन्यू करते जाइए क्लियर होगी बात सर तो वो यहां पर आप इस बात का क्या सर है वहां पे कुछ परसेंट है ना 25 और 50% बिल्कुल है परसेंटेज कितना परसेंट है प्लीज वो परसेंटेज है एक जो डिसीजन हो जाता है उसके बाद इस कंडीशन में उसे वो डिपॉजिट वाली बात नहीं करनी है ओके ओके जब बैंक पोजीशन ले लेता है उसके बाद अगर जाएगा या डीआरटी एक डिसीजन दे देती है उसके बाद डीआरएटी में जाएगा तो 50% अमाउंट या जो डीआरएटी का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन है वो चाहे तो उसको रिड्यूस भी कर सकता है अप टू 25% हाँ अप टू 25% कर सकता है ठीक है तो ये बात समझ में आ गई अच्छा अगर ये 60 डे पास हो जाते हैं तो फिर एक नोटिस और होता है उसको बोलते हैं 13(4) का और विद इन 7 days ये पब्लिश करना होता है जरा बता सकते हैं विद इन 7 days पब्लिश कहां करना होता है दो न्यूज़पेपर एंड वन इज लोकल लैंग्वेज में नेशनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है आपने देखा होगा कि विद फोटो वगैरह आते हैं ना इसमें सर ऐसा है ये प्रॉपर्टी ये ऐसे ऐसे करके बैंक ने उसको बोलते हैं कब क्या सूचना ये सर अभी केनरा बैंक स्टेट बैंक ये सब दिए 60 दिन के बाद में जो 7 days 60 दिन के बाद में 7 days की नोटिस टू इंटीमेशन जाती है कस्टमर को नहीं 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 डिफॉल्टर को अभी आप यहां देखिए 60 दिन के बाद बैंक फ्री है चाहे वो 61 डे में जाए चाहे वो 91 डेज में जाए चाहे वो 2 साल बाद जाए कब्जा कभी भी जा सकते मतलब 60 दिन तो उसे वेट करना ही करना है और जब वो कब्जा करेगा आफ्टर पोजीशन ये जो पॉइंट है कब एक्टिवेट होता है आपका आफ्टर पोजीशन क्लियर हो गई आफ्टर पोजीशन जो है ये जिस दिन पोजीशन लेगा और पोजीशन लेने में क्या होता है एडवोकेट होता है ब्रांच के ऑफिसर होते हैं वहां लेके पूरी इन्वेंटरी सर 13(4) समझ में नहीं आया सर थोड़ा फिर से बता दीजिए सर मैं बताता हूँ आपने पहले 13(2) में नोटिस दे दिया बैंक वालों ने नोटिस देने के 60 दिन तक बैंक वाले कुछ नहीं करेंगे अगर इस बीच में डिफॉल्टर ने आपको चिट्ठी दी है तो उसका जवाब देंगे 7 दिन के अंदर आप माने या ना माने अगर नहीं मानते हैं तो डिफॉल्टर को डीआरटी जा सकता है डीआरटी से आपको चिट्ठी आ सकती है कि भैया इसका कुछ मत छेड़ो अभी आप तो वेट कर लेना और डीआरटी से कोई चिट्ठी नहीं आती है तो आप 60 दिन के बाद कभी भी हो सकता है 10 दिन आपका ऑडिट चल रहा हो ठीक है या क्लोजिंग में आप बिजी हैं तो आपने कहा नहीं 10 दिन बाद देखेंगे उसे तो आप कभी ये जो 60 दिन माना गया है सर ये डेट की नोटिस की डेट से माना है या उसको रिसिप्ट की डेट से है 60 दिन देखो कानूनी भाषा में हमेशा रिसीट का आता है अच्छा। अब आपने दिल्ली से चिट्ठी भेज दी ठीक है वो जो है पोस्ट से जाते थे 22 दिन लग गए उसे केरल पहुंचते हुए हाँ सर ठीक है तो इसलिए रिसीविंग का माना मतलब कोर्ट इस मामले में उसको देता है कि जिसने रिसीव हो गई तो उसमें क्या करते हैं जो पोस्ट ऑफिस का स्पीड पोस्ट का जो रिसीट लेटर होता है
एक्नॉलेजमेंट लगा जो आता है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि 60 दिन के बाद सर इस केस में अगर हम जाते हैं नोटिस को उसके घर पे हम चस्पा कर देते हैं, 3-4 लोग गवाही लेके, पुलिस हो 2 पुलिस वाले होते हैं और सब होते हैं, तो नोटिस को उसके घर पे जाके चस्पा कर देते हैं तो भी एक नोटिस एक्सेप्टेबल माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर ये चिट्ठियां जो है वैसे ही सीधे भेज दी जाती है तो पहुंच ही जाती है उसके पास, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा और आगे सुनिए, तो 60 दिन के बाद कभी भी बैंक वाले अपने लाव लश्कर लेकर के उसके मकान में चाबी ताला लगा के सील कर सकते हैं, और जब सील करते हैं तो पूरा जो है प्रोसेस अपनाया जाता है, जो एक सिंपल कि क्या है इस घर में, बाहर क्या है, कितना कलर है, कैसा है, अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ, सारा कब्जा में ले लिया, या उसे बता दे भैया सामान हटा ले अगर हटाना है तो, अगर वो हटा लेगा तो ठीक है, नहीं तो भैया आप पूरी इन्वेंट्री ले लोगे, ठीक है। अगर सर उस बिल्डिंग में रेंटर रहता हो तो वो पुलिस वाले क्या करेंगे फिर? नहीं मैं पूछा सर कि अगर रेंटर रहता हो तो रेंटर को खाली करवा देगा, बिल्कुल निकाल बाहर फेंकेंगे, उनको भी वो नोटिस इन्फॉर्म किया जाता है, वो करते हैं लेकिन उनका हक नहीं बनता उस पर, हक नहीं बनता है। हाँ कि भैया आप खाली कर दीजिए, ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं। सर वन क्वेश्चन प्लीज। हाँ बोलिए। सरफेसी यदि किसी भी अकाउंट में लग गया है तो उसके बाद वो अकाउंट अपग्रेड हो सकता है यदि पार्टी रेडी है? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे मित्र थे वो भी कोचिंग चलाते थे, तो उनके वहां सरफेसी का नोटिस आ गया। अब वो हमें जानते थे तो हमसे संपर्क किया उन्होंने, तो हमने उन्हें प्यार से समझाया कि भाई ये जो है किस्ते आप जमा कर दीजिए, उन्होंने वो किस्ते जमा कर दी, बात खत्म हो गई और उनका अकाउंट आज भी चल रहा है। अब बात आती है कब्जा लेने के बाद, कब्जा लेने के बाद तब तक हो सकता है, क्योंकि कब्जा लेने में वो फाइनल डिमांड कर ली जाती है, रिकॉल हो जाता है लोन। सर एक क्वेश्चन है, कब्जा अगर ले लिया तो उसका दो ही तरीका, या तो फुल फ्लैज बंद कीजिए या उसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है। ओके, कब्जा लेने के बाद अपग्रेडेशन अलाउड नहीं, क्योंकि बैंक ने बहुत आगे तक पहुंच गया, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि तलाक की एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी और जजमेंट होने वाला है, अब कोई चारा नहीं है, आपकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आज इतना हम पहुंच गए कोर्ट तक, कल को फिर ये सही कर देगा और फिर 6 महीने 90 दिन बाद फिर खराब कर देगा लोन अपना अकाउंट, फिर आप ये प्रोसेस करेंगे, इसलिए नहीं करते। प्राइवेट बैंक वाले तो बहुत ही मतलब इसमें बदतमीजी करते हैं कहना चाहिए, कि वो तो पहले नोटिस पे भी अगर नोटिस भी भेज दिया उसके बाद भैया बंद कर दे हमें नहीं मतलब कोई, अब गवर्नमेंट वाले तो फिर भी बहुत लेट कर देते हैं ना, ठीक भागे रहते हैं सर, चेहरा दिखाना भी बड़ा दुर्लभ है। क्या जी क्या? चेहरा दिखाना सर, मिलते भी नहीं कस्टमर, ताला लगा लेते हैं या परिवार को खा लेते हैं, वो कस्टमर पॉइंट नहीं है उनका, कस्टमर कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अच्छा इस बीच एक सवाल आपने पूछा था किसी ने डीआरटी का रोल था, तो मैं उनको डीआरटी का थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या देखिएगा जरा, आप सबसे पहले सिविल कोर्ट प्रोसेस चला रहे थे, उसके बाद एक एक्ट आया डीआरटी, डीआरटी में जो लिमिट है 20 लाख एंड मोर देन 20 लाख की है, यानी बड़े लोन जा सकते हैं। अब बड़े लोन ही केवल इस प्रोसेस में जा सकते हैं, अब 20 लाख से नीचे के लोनों का क्या होगा, और ऐसे लोन जो सिक्योर्ड हैं उनका क्या होगा जो 20 लाख से कम है, और फास्ट रेमेडी आई, अभी आपने देखा कि पूरी रेमेडी केवल 70 दिन में आप किसी का कब्जा ले सकते हैं, तो कितना फास्ट, और जिसका हाउस कब्जे में लिया जा रहा होगा वो जरूर लोन को बंद करने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा से बेच के ही बंद कर दो, लेकिन बंद कर दो, और नहीं बंद करेगा तो बैंक कब्जे में लेके बैंक की अपनी जो सेंट्रल वेबसाइट होती है वहां पे ऑक्शन लगाता है, और ऑक्शन में बहुत सारी प्रॉपर्टियां सेल होती हैं तो लोग ले लेते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक, तो सर जिस प्रॉपर्टी पे लोन हो सर, एक्सक्यूज मी सर, क्या वो बैंक से परमिशन मांग सकता है जिस पे लोन हो, जो बंधक हो प्रॉपर्टी,
क्या वो बैंक से परमिशन मांग सकता है कि मैं इसको बेच के देना चाहता हूँ? हाँ, उसमें ऐसा है कि बैंक अगर वो खुद बेचना चाहता है तो बेच ले, पैसा लेकिन बैंक में आएगा सर। लेकिन मॉर्गेज हुई है प्रॉपर्टी तो सेल कर नहीं सकते ना? नहीं, जब कब्जे में लेता है ना, सुनो, कब्जे में लेने के बाद नहीं, कब्जे में लेने के बाद तो बोरोवर से बात ही नहीं होती है। अगर बोरोवर चाहता है उस प्रॉपर्टी को बेचना तो जब ऑक्शन होगा तो कहते वहां से खरीद ले भैया। नहीं, 60 दिन का नोटिस गया, बोरोवर से बात, 60 दिन का नोटिस गया सर, 60 दिन का नोटिस गया तो उसके पास वो लगता है कि हमारे पास पैसे कहीं और से नहीं है, तो क्या बैंक से परमिशन मांग सकता है कि ये हमको इसको बेचने की अनुमति दी जाए, हम बेच के हम चुकता कर देंगे? क्योंकि बैंक जो है, जब कोई कब्जा ले लेती है, कब्जा लेने के बाद उसकी एक अलग डिपार्टमेंट में चला जाता है, वो अलग डिपार्टमेंट। सर वॉइस नहीं आ रही सर, बीच में आवाज कट गई, आवाज कट गई थी सर, लास्ट सेंटेंस बोला ना आपने वो। चलो थोड़ी बहुत आवाज कटती तो थोड़ा बियर कर लिया करो, वैसे मेरे को लगातार आ रही आवाज। अच्छा ठीक, चलो तो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं, ये कंफ्यूजन वाला है, कई लोग इसमें कंफ्यूज कर। डीआरटी स्टे लगा सकता सर किसी पे? बिल्कुल लगा सकता है, सरफेसी तो एक कानून है। कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें शामिल होते हैं अगर हम बात करें तो? सबसे पहले तो है बैंक, ARC, PM या CGM, DRT, DRAT, ठीक है, इतने लोग इस एक्ट को चलाते हैं। सरफेसी का कोई दफ्तर नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होता, उसमें तो बस लिखा हुआ है ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी एक बच्चे ने YouTube में पूछा है कि CC के जो है स्टॉक को भी आप वो कर सकते हैं, जहां पर आपके उस स्टॉक को आप कब्जा लेके उसका यूज करना चाह रहे हो। तो मैंने ये बताया था कि अगर आपको लगता है कि उस स्टॉक को कब्जे में लेके आप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, और उन कब्जे में जो भी चीजें आती हैं उसमें हाइपोथिकेशन चार्ज होता है। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है, यहां पर मैं ये रिवाइज करा हूं आपको, कि ये जो हाइपोथिकेशन है, इस हाइपोथिकेशन की सबसे पहली डेफिनेशन सरफेसी एक्ट ने ही दी। इससे पहले हाइपोथिकेशन एक हवा में एक चीज थी कि ठीक है भैया मेरे को दे जा, मेरे कमरे में रख जा। सरफेसी एक्ट जब 2002 आया तभी उसने बताया हाइपोथिकेशन की डेफिनेशन। क्वेश्चन आता है कि हाइपोथिकेशन कौन से एक्ट में डिफाइंड है, तो आप बोलोगे सरफेसी एक्ट में डिफाइंड है, ठीक है। चलो सिक्योरिटाइजेशन समझा रहा था, सिक्योरिटाइजेशन समझ लीजिए, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। सर, अभी हमने सर, जो कैपिटल मार्केट का टॉपिक पढ़ा था तो उससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में। सर ये ऑक्शन करने से पहले लोन को क्लियर कर देता है तब उसको प्रॉपर्टी को देना ही पड़ेगा ना सर, जो 60 दिन के बाद जो ऑक्शन तक चला जाता है, पजेशन के बाद जो लोन की रिकवरी का प्रोसेस होता है वो डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, उस पे उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे आप, बोरोवर पता ही लगा पाता कहां जमा करने हैं, ठीक है। अगर वो बैंक में कांटेक्ट करता है तो बैंक वाला अपने लेवल से पता करा देता होगा कि भैया यहां बात करो, तो वहां वो एक अलग ही टीम होती है पूरी, ब्रांच लेवल से इसका कंट्रोल हट जाता है। वो ऐसा कर सकता है, जो कलेक्शन एजेंसी है जो हमारा हाई लेवल पे है वहां बात करके अगर वो कहते हैं ठीक है ड्राफ्ट भेज दो तो उस कंडीशन पे रिलीज हो सकती है, ठीक है। और ऐसे मामलों में डीआरटी की भी हेल्प हो जाती है, डीआरटी में वो पैसा जमा कर देता है तब डीआरटी कहता है इसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दो। तो हम बात करते हैं वन डाउट, वेदर नोटिस शुड बी गिवन विद इन 7 डेज ऑफ पोजीशन और आफ्टर 60 डेज? विद इन 7 डेज ऑफ पोजीशन, क्योंकि 60 डे के बाद बड़ा लंबा गैप हो सकता है, वो 3 महीने में पोजीशन ले,
दो साल में पेंशन ले, एक साल में पेंशन ले, कभी भी पेंशन ले, ठीक है। और आमतौर पे ये जो पजेशन है उसके जो डॉक्यूमेंट टाइम बार्ड होने वाले होते हैं उससे पहले ले लिया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइम बार्ड हो जाएंगे तो आप कोई भी एक्शन किसी भी एक्ट में नहीं ले सकते। तो आमतौर पर क्या करते हैं बैंक, जल्दी जैसे ही 60 दिन होते हैं उसके बाद एक दो दिन में पेंशन ले लेते हैं। सपोज कीजिए, मैं एक एग्जाम्पल बैंक में बता रहा हूं कि इसको 5 लाख का लोन दिया और 5,60,000 बैलेंस हो गया उसका, क्योंकि हो सकता है कि कुछ उसका इंटरेस्ट लग गया हो, 60,000 का इंटरेस्ट लग गया है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये एनपीए हो गया अकाउंट, एनपीए के बाद इसमें सरफेसी लागू कर दिया गया, यानी पजेशन में आपने ले लिया, सरफेसी के नोटिस चले गए, सब हो गया। अब एक कंपनी आई, एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इस कंपनी ने क्या किया, कहा ये लोन हमको दे दो और इस लोन के अगेंस्ट में पैसा दे दिया बैंक को, तो क्या एंट्री होगी, ये 560 जो है अमाउंट ये आ गया यहां पर और बैंक का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी बैंक का एक एनपीए अकाउंट रिकवर्ड हो गया। तो ऐसी जो कंपनियां हैं इन कंपनियों को एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा इसका आंसर करेगा, पहला अक्षर मैंने लिख दिया, सीआईबी वालों सर, जेआर नहीं, एआरसी तो बोलते हैं, एसआई सर, एसआई है, एसआई सिक्योरिटी आई का कुछ मतलब है सर, एसआई है। चलो अब बता दो सर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, बिल्कुल इन्हीं को बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, मींस ये बनाए ही इसी काम के लिए हैं कि बैड लोन खरीदो बैंक से और अब हमने खरीद लिया, तो जो एसेट था, ये जो हाउस था, जो भी हाउस था, ये हाउस अब किसके पोजीशन में चला जाएगा, एआरसी की। अच्छा, एसपीवी। सपोज कीजिए किसी लोन में सरफेसी का एक नोटिस ही गया, अभी पोजीशन नहीं लिया, इस बीच में भी वो बैड लोन एआरसी को जा सकता है और जैसे ही एआरसी को जाएगा तो सारी पावर बैंक की एआरसी को ट्रांसफर हो जाएंगी और एआरसी सारे प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन ले लिया, अब सारा काम एआरसी करेगा, क्या करेगा एआरसी, इसको ऑक्शन करेगा और सेल होगा। अब सेल होने में वो 560 का जो एसेट लिया था वो सेल हुआ 580 में, ठीक है। अब 580 में सेल हुआ तो एआरसी क्या करेगा, उसमें 560 तो वो जो पैसा उसने बैंक को दिया था वो प्लस अपने एक्सपेंसेस को काट करके रिमेनिंग अमाउंट किसको देगा, बोरोवर को दे देगा, ठीक है। सर उसको फायदा क्या हुआ, उसको फायदा ये मिला ना इसको, एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस तो दे, 100 रुपए दे दो वो कम आएगा, मेरा मेरा ऑफिसर कब्जे में लेने गया 5,000 रुपए, 5 बार गया इंटू 5,000,
इतने दिनों तक हमने आपका लोन अपने पास रखा उसका 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो अच्छा कमाते हैं जी सर, नीचे कम आएगा तो हायर भी करते हैं लोग सर कि हमारा लोन रिकवर करवा दो तो आपको इतना परसेंट मिले। हाँ उनको एजेंट देते हैं ना, का एजेंट कमीशन में। यस सर, ठीक है। पर वो सारा काम पजेशन से पहले करते हैं, पजेशन जब लेते हैं तो उसके बाद तो ऑक्शन का ही प्रोसेस अपनाते हैं वो लोग। सर एसपीवी का क्या काम रहा? एसपीवी इसको बोलते हैं, अच्छा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं उनको हम एसपीवी बोलते हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल बोलते हैं। यही जो एआरसी है सारा काम कर रही है, ठीक है। अभी हम जो सिक्योरिटाइजेशन वाला पॉइंट है तो एआरसी के पास पहले बैंक जाता होगा सर कि ऐसा ऐसा बात है आप मेरा लोन ले लो। कौन बैंक एआरसी के पास जाती होगी पहले? नहीं 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 नहीं, एआरसी को ढूंढ ढूंढ के देखती है कि कौन से बैंक अपने बैड लोन बेच रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और, ये डीआरटी के पास सर पहले बोरोवर जाता है या पहले बैंक जाता है, अपील कौन करता है पहले? दोनों जा सकते हैं। वैसे एक एक जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं ही कहूंगा सर, ईआरटी कितना तक लोन ले सकती है, बैड लोन कितना खरीद सकती है? बैंक जाते तो सर डीआरटी में क्यों जाएगा, जो उसका सरफेस से हो जाए। एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा आपको सर। सर ये कह रहे सर जो बैड बैंक है सर, तो मतलब जो पहले ये आप जो है ना तो बैड बैंक बनाने की क्या जरूरत थी सर? अभी बीच में सर न्यूज आ रही थी कि बैड बैंक बनाएंगे सर अलग से। क्या बनाएंगे? बैड बैंक, बैड जो बैड डेब्ट्स होते हैं ना उनके लिए एक अलग से बनाएंगे बैंक सर, ऐसा कुछ कर रहे। तो वो भी स्पेशल पर्पज व्हीकल हो जाएगा, तो अभी तो वो सारा काम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कर रही है। उसमें हो सकता है कि कोई एक मतलब यूनिफॉर्म प्रोसेस लाएंगे जिससे फटाफट काम हो जाए, रिकवरी अच्छी हो जाए, तो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इस बारे बजट में था ना बैड बैंक का? हाँ हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ अभी प्लानिंग में है, अभी कुछ हुआ नहीं। हुआ अब सिक्योरिटाइजेशन समझिए, पहले हमें उसके लिए एआरसी समझना पड़ेगा। एआरसी कौन होती है? एआरसी कंपनी होती है जो कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं? एआरसी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं? आरओसी में, सेबी में। आरओसी में, सेबी में नहीं। और ये आरबीआई से परमिशन लाइसेंस लेती है। लाइसेंस लेना और कंपनी रजिस्ट्रेशन करना अलग चीज है। और ये जो लाइसेंस लेती है वो किस पर्पज के लिए लेती है? रिकंस्ट्रक्शन पर्पज, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन, इन दोनों के लिए परमिशन लेती है। इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट कितनी होती है? 2 करोड़। कितनी होती है? 2 करोड़ से कोई भी बंदा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकता है। और ये जो कंपनी है ये जितना भी एसेट एक्वायर करेगी, और 100 करोड़ मैक्सिमम। इस पॉइंट को समझ लीजिए, एक सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो कम से कम 2 करोड़ की कैपिटल अपनी लाइन। और अगर वो कोई भी लोन एक्वायर करना चाहते हैं, अब मैं यहां एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे वो 600 करोड़ का एनपीए लेना चाहते हैं, एनपीए है उसको एक्वायर करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका 15%, तो इसका 15% कितना होगा? 90 करोड़। तो उसको उस केस में अपनी कैपिटल कम से कम कितनी रखनी पड़ेगी? 90 करोड़। अगर यही कंपनी कोई 2000 करोड़ का लोन एक्वायर करना चाहती है तो इसका
15% कितना होगा? 300 करोड़। तो इसको कितनी कैपिटल रिक्वायर होगी? 100 करोड़। हाँ, समझ में आई बात? तो इस कंडीशन में 100 करोड़ से काम चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा लोन अगर एक्वायर करना चाह रही है तो सिर्फ 100 करोड़ से एक्वायर कर सकती है। सर 15% वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं सर, ये 15% वाला। हाँ सर। हाँ देखो, कंपनी चलाने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कम से कम इतना चाहिए। यस सर। आप इतना चाहिए, इससे ज्यादा कब चाहिए आपको? आप जितने लोन एक्वायर करेंगे उसका 15%। अगर ये कंपनी 600 करोड़ का लोन एक्वायर करना चाहती है, उसका 15% कितना होता है? 90 करोड़। तो इस कंपनी को अपनी कैपिटल कितनी बनानी पड़ेगी? 90 करोड़। तभी ये इस लोन को ले सकती है, नहीं तो छोटे छोटे लोन लेके काम चलाए अपना। यस सर। जैसे हम लोग बेसिल में बात करते हैं ना, वो 90 करोड़ में 2 करोड़ भी इंक्लूड रहेगा। हाँ, मतलब उसे 88 करोड़ और चाहिए, ठीक है। और अगर वो बहुत बड़ा लोन एक्वायर करना चाह रही है तो उसको इतनी करोड़ कैपिटल लाने की जरूरत नहीं है, केवल अपना 100 करोड़ लिया है कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात और बता रहा हूं आपको। ये 200 करोड़ किसी बैंक का लोन है और बैंक के अकाउंट में ये लोन एनपीए है, तो अगर इसको अकाउंट को किसी एआरसी को देना है तो एआरसी इनको देने के लिए मनी कहां से लाएगी? कोई बता सकता है? प्रॉपर्टी सेल करके सर। प्रॉपर्टी सेल तो 2 साल लग जाएंगे, नहीं होगी सर वो? पहले सर्टिफिकेट देगा, रिसीप्ट सर्टिफिकेट सर। हेल्ड टू और सर्टिफिकेट्स। चलो अभी सुनिएगा जरा ध्यान से। रिसीप्ट का सर्टिफिकेट। वो कहती है कि मैं ये पैसा तो नहीं दूंगी, बॉन्ड इशू करेगी, लेकिन एक प्रोमिसरी नोट दे दूंगी। क्या दे दूंगी? प्रोमिसरी नोट। और प्रोमिसरी नोट को हम एक सिक्योरिटी मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोमिसरी नोट को एक सिक्योरिटी मान रहे हैं तो बैंक ने वो 2000 करोड़ का एक कागज रख लिया अपने पास और इसके सारे राइट ट्रांसफर कर दिए एआरसी को। क्या बैंक इसके 2000 रुपए की सिक्योरिटी को रख लेगी ऐसे या नहीं रखेगी? रखेगी। रख लेगी सर। रख लेगी सर। नहीं रखेगी। अरे जिसकी अपनी हैसियत 300 करोड़ रुपए है, वो हमारे 2000 करोड़ का लोन ले जाके गड़बड़ ना कर दे। तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। वो एक QIB पकड़ेगी। QIB हमने लास्ट क्लास बताया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को पकड़ेगी। यस सर। और QIB को पकड़ के, इस QIB को पकड़ के उससे रिक्वेस्ट करेगी कि मैं जो है 2000 करोड़ का लोन लेने जा रही हूं, कंपनी बोल रही है आप मेरी मदद करो। ये QIB क्या करेगी? स्कीम लाएगी। और ये स्कीम किसको बताएगी? पब्लिक को। समझ में आई बात? पब्लिक को बताएगी, ये जो 2000 करोड़ का लोन लेने जा रही हूं मैं, इसमें मुझे 500 करोड़ फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे फायदा होगा? वो इस लोन को एक डिस्काउंटेड रेट में इससे खरीदती बैंक से कि भाई 2000 करोड़ का आपका बैड डेट है, 1500 करोड़ हम दे सकते हैं। बैंक कहेगा चलो 1500 तो आ रहे हैं, ले लो आप। बैंक अपनी किताबों से हटा देगा। तो ये जो लोग हैं, ये स्कीम वाले लोग, ये पैसा इकट्ठा करेंगे और किसको देंगे? QIB को। QIB इस मनी को किसको देगा? एआरसी को। नहीं, बैंक को। बैंक को देगा भाई।
तो बैंक का काम हो गया ना पूरा, तो सर बीच में से आरसी हट गया? नहीं हटा नहीं, अभी एआरसी की रिक्वेस्ट पे ही तो क्यूआईबी ने पब्लिक से पैसा मांगा। और ये जो रिसीट है, ये रिसीट जो अपना क्यूआईबी है, जो सॉरी एआरसी है, ये इसको दे दे। क्यूआईबी को ठीक है, जाओ चाबी ले लो, वही रखो, हेलमेट ले लेना। सुनो सर, वो क्यूआईबी को क्या एडवांटेज है सर इस केस में? बताते हैं कि क्यूआईबी एक तरह से शेयर मार्केट का प्लेयर है, म्यूचुअल फंड का प्लेयर है। वो इस मनी को इन लोगों से ले लिया उसने, और जिस दिन इसका ये एसेट बिकेगा, किसका? एआरसी का। जिस दिन ये सेल होगा, पता लगा ये सेल हुआ 2300 करोड़ में। एआरसी ने अपने 200 के एक्सपेंसेस जोड़ लिए, इसमें 2500 करोड़ रुपए आए एआरसी के पास। और इन 2500 करोड़ में से एआरसी ने अपना प्रॉफिट माइनस कर लिया, इसमें 200 करोड़, 2300 करोड़ में से, और बाकी जो है 2100 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। इन पब्लिक ने कितना इन्वेस्ट किया? 2000 करोड़। मिला कितना? 2100। 100 करोड़ का फायदा हुआ। ये फायदा दो दिन में भी हो सकता है, और ये फायदा लॉस में भी जा सकता है। सर कंपनी नहीं बिकी तो? सर ये म्यूचुअल फंड की तरह तो नहीं ना है सर? तो ये लॉस में भी जा सकते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं प्रॉफिट में जाने के। हाँ ज्यादा चांसेस। सर थोड़ा बता दीजिए सर, रिपीट कीजिए सर। सेल से किस चीज को? सेल 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 से जैसा 2000 करोड़। ये जो एसेट था 2000 करोड़ वाला, वो 3 महीने बाद 2300 करोड़ का बिका। ठीक है सर। तो एआरसी ने अपने 200 करोड़ रख लिए। उसने पहले से बता रखा था कि मैं इसमें इतने परसेंट चार्ज लूंगी, रख लिए एआरसी ने। 2100 करोड़ रुपए इसको क्यूआईबी को दिए। क्यूआईबी ने छोटा सा पैसा अपने पास रखा, बाकी सारा पैसा इन स्कीम होल्डर को यूनिट के हिसाब से बांट दिया। इसका मतलब सर एआरसी और क्यूआईबी दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ? हो सकता है क्यों? हाँ, एक तरह से सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। क्यूआईबी एआरसी का कुछ नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो एक्सपेंसेस जाएंगे, डूबते ये जाते हैं। रिसेंटली एग्जांपल है क्या सर ऐसा? हाँ सर, एग्जांपल के तौर पर जितने भी हमारे पोजीशन लिए हुए एसेट्स होते हैं, उनको जो एआरसी खरीद लेती है। चलो मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ एआरसी का। हाँ सर। मेरे पास एबीएन एमरो का एक क्रेडिट कार्ड था 2006 में। एबीएन एमरो कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। किसने सुना है? सुना है सर, सुना है। नाम सुना है सर। वो बैंक बंद हो गया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने उसका वो कर लिया, मेरा ट्रांसफर हो गया। मुझे उसके बाद करीब 6 साल बाद 2-400 रुपए कुछ बैलेंस रह गया होगा उस समय पे। तो आपको पता है क्रेडिट कार्ड वाले क्या करते थे, 500 रुपए महीना ऐसे करा के 4-5-7 हजार का उसने बिल बना दिया। तो एक एआरसी फिनिक्स नाम की कंपनी की चिट्ठी आती है मेरे पास कि आपका ये ड्यूज है। मैं उनसे कांटेक्ट करता हूं, वो कहते हैं कि आप 1400 रुपए दे देंगे तो आपका ये सेटलमेंट हो जाएगा। तो मैंने उनको 1400 रुपए दे दिए। अब वो जो बैड लोन है, उस एआरसी ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से हो सकता 250 रुपए में खरीदा हो, लेकिन कंपनी ने मुझसे कितने लिए? 1400 रुपए लिए। तो 250 में तो उसने खरीदा होगा उससे, यानी जितना जो 1150 रुपए का फायदा हुआ वो सीधे एआरसी का हुआ। सर अगर आप नहीं देते तो सिबिल खराब चलता रहता है, ऐसे सिबिल में आता रहता सर। सिबिल खराब होता है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर, मैं पेंडिंग रहता हूँ। हाँ अब सेटल हो, वो क्लोज हो गया वो। हाँ बोलिए।
हाँ सर, मान लीजिए ये कोई लैंड और बिल्डिंग का है, वो तो एआरसी को एक्स्ट्रा पैसा तो मालिक को देना है ना, जो नहीं बिल्कुल नहीं ना, पहले लोन जमा करना है ना। हाँ मान लीजिए, मैं आपका पॉइंट समझिए, आप सुनिए पॉइंट समझिए, अगर ये बिल्डिंग के सेल 2500 में होती तो इस कंडीशन में एक्स्ट्रा पैसा बिल्डिंग के मालिक के पास जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा। एआरसी अपना ब्याज एक्सपेंसेस पेनल्टी लेने के बाद, अब हो सकता है ये जो लोन है वो 5,000 करोड़ का बिक जाए, तो ये एआरसी का फायदा नहीं है, ये एआरसी का फायदा नहीं है। तो एक्सपेंसेस सर पहले डिसाइड होता है कि उसी मतलब सेल के समय डिसाइड होता है? जिस समय हाउस सेल हो रहा है तो एआरसी के पास अपना पूरा हिसाब होता है कि इससे इतने का हमें पैसा चाहिए, कई बार उससे कम में भी बिकता है। अगर कम में बिकेगा तो एआरसी तो अपना खर्चा काटे ही काटेगी, क्यूआई भी अपना खर्चा काटे ही काटेगी, लेकिन जो स्कीम इन्वेस्टर हैं, ये स्कीम इन्वेस्टर को पैसा कम मिलेगा। फिर शेयर मार्केट की तरह है। ओके सर, अगर आपको लगता है कि बैड लोन में पैसा जमा करने से बैड लोन की रिकवरी वाले काम में बड़ा फायदा है, तो आप बैड लोन वाले जितने जो अपनी ये है क्यूआईबी, उनकी स्कीम्स में पैसा लगाते जाएंगे और वो लोग बेचते जाएंगे, प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जिस स्कीम में आपने लगाया है उस स्कीम में पर्टिकुलर एसेट होता है। इसको एक पॉइंट को नोट करिएगा कि जो क्यूआईबी स्कीम निकालता है वो हर एसेट की अलग स्कीम निकालता है। यानी दिल्ली में एक रोहिणी में किसी फ्लैट को ऑक्शन करना है, उसकी स्कीम अलग निकलेगी। उसी के बगल में दूसरा फ्लैट है उसको ऑक्शन करना, उसकी स्कीम दूसरी निकलेगी। ठीक, अब एक बात और सुनिए, ये तो लाखों स्कीम हो जाएंगी, तो एआरसी क्या करता है, जो छोटे छोटे एसेट होते हैं उनको, उनके लिए इनको नहीं लाता है। किनको? क्यूआईबी को नहीं लाता। अरे खुद ही स्कीम निकाल, खुद अपना पैसा लगाते हैं ना। कहने का मतलब सर, एआरसी के पास एनपीए था, उसको खरीद लिया 4.5 लाख में, और उसमें खर्चा वर्चा लगा के उसने जब बेचा तो 6 लाख रुपए रिकवर कर लिए उसने, तो अपने पैसे से फायदा कमाते। जब ये इसकी हैसियत से बाहर चला जाता है, बड़ा लोन होता है, तभी क्यूआईबी को बुलाता है। और क्यूआईबी भी लाखों लोगों से पैसा तभी मांगती है, वो कहते हैं कि भैया एक 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, उस कंडीशन में लोगों से पैसा लेते हैं। ठीक है, तो अभी सिक्योरिटी रिसीट समझ में आया आपको? सर वही बैंक रिसीट है, तो कौन इशू करता है सर इसकी, क्यूआईबी या एआरसी? फिर से पूछना क्वेश्चन सर। बैंक रिसीट जो इशू होता है ये स्कीम के थ्रू प्रॉमिसरी नोट भी, तो वो कौन इशू करता है सर, क्यूआईबी या एआरसी? चलो यहां सुनो जरा, एक है बैंक, एक है एआरसी, एक है बोरोवर और एक है क्यूआईबी। इतने ही लोगों का तो नाम लिया अभी तक हमने। जी सर। बैंक क्या करता है, लोन ट्रांसफर करता है। लोन ट्रांसफर का मतलब सारे राइट ट्रांसफर करता है। ठीक है, एक पार्टी और बनाते हैं अभी। ये कौन सी पार्टी बना रहा हूं मैं? पब्लिक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर ये मनी को क्यूआईबी को देते हैं। यहां दे दिया, क्यूआईबी पैसा बैंक को, ऐसा कह सकते हैं कि एआरसी के थ्रू देता है। ठीक है, बैंक को आता है, एआरसी इसको इस पैसे के बदले में एक सिक्योरिटी रिसीट देती है। ठीक है, सिक्योरिटी रिसीट इसके पास आ गया। अच्छा,
अब यहां पर एआरसी क्या करती है, एसेट को सेल करती है। सेल करेगी तो एआरसी के पास क्या आएगा, पैसा, मनी, पैसा आएगा। एआरसी इसमें से अपने खर्चे काट के सर फेयर रहता है, ये कि अनफेयर भी रहता है सर, जो एक्सपेंसेस काट रही है एआरसी सर फेयर रहता है या अनफेयर भी रहता है? नहीं फेयर, ये कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो फेयर रहेगा तो उनको फायदा क्या हुआ सर? सर तो उनको फायदा क्या हुआ फिर, एआरसी को फायदा क्या हुआ? बताते हैं एआरसी ने कितना पैसा लगाया अपना बताओ जल्दी से। एआरसी ने अपना तो सिर्फ मान के चले कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया सर, वो क्यूआईबी से लिए ना। हाँ वो इन्वेस्टर से मांगा उसने पैसा और कमाया क्या, 200 करोड़ रुपए। यस ठीक है, आप सपोज कीजिए वो बिकाई नहीं, एसेट बिकाई नहीं, तो क्या हुआ सर? अगर एसेट नहीं भी बिका सर, अगर एसेट नहीं भी तभी 200 करोड़ हुआ ना उसका फायदा, एक्सपेंसेस तो लगेंगे। अगर एसेट नहीं बिकेगा तो फायदा नहीं होगा उसको, एआरसी को कुछ नहीं मिलेगा ना, कहां से मिलेगा एआरसी को? तो जो पैसा मिलेगा एसेट के बिकने से ही मिलेगा, पर ऐसा होता है क्या भाई? कोई भी एसेट आप एक्वायर करोगे तो 200 करोड़ तो आप कमा ही लोगे उससे, क्लियर है बात? यस ठीक। हाँ सर, बैंक जो एआरसी को लोन ट्रांसफर करती है तो पैसा लेने से पहले ही ट्रांसफर कर देती है। क्या चीज? बैंक जो एआरसी को लोन ट्रांसफर किया पहले तो बिना पैसा लिए हुए ही कर देता है। ये लिया ना इसने, वो करता है ये सिक्योरिटी रिसीट, वो सॉरी पैसा तो मिल गया, कहाँ ट्रांसफर किया उसने? क्यूआईबी से। ये फर्स्ट स्टेप वाला सर जो आप शुरू में बताए, नहीं वो ये साइमल्टेनियस स्टेप है, ये साइमल्टेनियस स्टेप है। बैंक जो है कोई भी पैसा एआरसी को या तो नगद लेके करेगी या इससे लेके करेगी, क्यूआईबी से लेके करेगी। ठीक है सर, लोन के लिए जो बैंक और एआरसी के बीच में कोई नेगोशिएशन होता है, जैसे 200 करोड़ का लोन है तो 150 करोड़ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ये भी तो उसका फायदा है। 2000 करोड़ का है बैलेंस तो बैंक अपनी कॉस्टिंग निकालता है, कहता है चलो मैंने इतने साल से इंटरेस्ट कमाया है थोड़ा बहुत छोड़ भी दूं तो जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसे कम में भी सेटलमेंट हो जाता है। हाँ सर, कंपरमाइज टाइप का। मतलब ये भी एक तरह से एआरसी का फायदा ही हुआ ना सर? एआरसी का तो फायदा होता ही है, केवल तब नहीं होगा फायदा जब वो एसेट बिल्कुल ना बिके। अगर वो थोड़ा बहुत भी बिकेगा तो एआर सबसे पहले अपना खर्चा काटता है। ठीक है, ठीक है। ये सिक्योरिटाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर गया? हाँ सर। और बाकी जैसे कई चीजें होती हैं जब थ्योरी आप पढ़ेंगे ना तो वहां से भी कुछ पॉइंट और निकल के आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे सरफेसी लगता है। तो सरफेसी लगने की कुछ सिक्योरिटी रिसिप्ट जो होती है ये मार्केट में ट्रेड भी होती है? बिल्कुल होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, इसके बारे में बता दूं आपको। सिक्योरिटी रिसिप्ट किसके पास रखी है? QIB के पास अपनी सिक्योरिटी रिसीट शेयर मार्केट में बेच सकता है। अभी उसने पब्लिक से 2000 करोड़ मांगे थे, कहीं उसे ग्राहक मिल गया 2500 करोड़ का या 2600 करोड़ का, तो तुरंत बेच देगा। और 600 करोड़ का फायदा QIB के खर्चे के बाद किनको मिलेगा? इन्वेस्टर को। वो तो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है और ये अनस्टैम्प्ड है। गवर्नमेंट ने सरफेसी एक्ट में ऐसी सिक्योरिटी पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लेने का निर्णय लिया जिससे कि बैड लोन अच्छी तरह रिकवर हो जाए हमारे। ठीक है, ठीक है सर, चलो। हाँ, अगला पॉइंट हम लास्ट कवर कर रहे थे कि 1 लाख से ऊपर का लोन होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग जो है उसकी वो मोर देन 20% होनी चाहिए ऑफ लोन, ऑफ
लोन। अकाउंट जो है एग्रीकल्चर लैंड का नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सिक्योर्ड होना चाहिए, सिक्योर्ड एसेट होने चाहिए, कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए आपके पास। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो सरफेसी नहीं लगेगा भाई, जब सिक्योरिटी नहीं तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं है सरफेसी में तो, ठीक। और सबसे पहली कंडीशन इसकी है कि अकाउंट क्या होना चाहिए आपका, एनपीए। पता लगा आप अपने गांव में ब्रांच मैनेजर बन गए, गांव वाले से किसी से दुश्मनी थी, लगा सरफेसी लगा दिया, तो भैया अकाउंट एनपीए भी तो होना चाहिए, ठीक। तो ये प्राइमरी कंडीशन है, इन कंडीशन के बिना, इस बात को समझ लीजिए जरा, लोन सैंक्शन हुआ था 50 लाख, आज उसका 8 लाख रुपए बैलेंस है और बाकी सिक्योर्ड भी है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है 1 लाख से ऊपर है और एनपीए भी है, इस पे सरफेस एनपीए में सर, एनपीए का ये जो है सर ये सब स्टैंडर्ड में होना चाहिए या डाउटफुल में सर, किसी में भी, अच्छा किसी में भी, सब एनपीए में किसी में भी, मैक्सिमम लिमिट नहीं है ना सर इसमें, किस चीज की अमाउंट की जो है नहीं, नहीं कोई कोई मैक्सिमम नहीं है, 20% के नीचे होगा तो बैंक उसका रिकवरी कहाँ से करेगा, डीआरटी से, हाँ डीआरटी से करे, डीआरटी में तो ये वाला केस तो नहीं आएगा, लेकिन अगर डीआरटी में आता तो डीआरटी से करे, और अगर कहीं और आता तो कहीं और जाए, एजेंट को दे, कुछ भी करे, और अगर नहीं भी कर पा रहा है तो भी आप देखिए ना, उस बेचारे ने जो है इतना सारा पैसा दे दिया फिर भी आप उसे लड़ाई लड़े फिर रहे हो। सर सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से लेस देन नहीं होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है ना? नहीं, सिक्योरिटी की वैल्यू लेस देन 10% वाला जो कंडीशन है वो कंडीशन है उसका अकाउंट तो डाउटफुल में चले जाने की कंडीशन है, नहीं लॉस में जाने की कंडीशन है, ठीक है, वो 10% वाली कंडीशन, ठीक। तो इस पे जो है नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 50 लाख का लोन लिया उसने और अब 8 लाख ही बचा है, 10 लाख से कम बचा है, तो आप सोचिए इतना तो ईमानदार है वो आदमी, और आपका आउटस्टैंडिंग अगर इतना है तो इसका मतलब उसने इतने दिन का इंटरेस्ट भी तो आपको दिया, तो दिया सर, लेकिन अत्याचार ना हो जाए, लेकिन सर ये सरफेसी का कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है तो क्यों नहीं लगेगा सर, वो तो एक लाख से ऊपर कंडीशन ही है ना, ये काम फुलफिल कर रहा है, यस सर, ये वाली कंडीशन कहाँ फुलफिल कर रहा है, हाँ सर, तो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आप सुनिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सर, ये 8 लाख अगर अभी है, हेलो, ये 8 लाख अभी है, अभी बंद किया है वो, और ये बढ़ के जैसे 12 लाख हो गया तो फिर से लगेगा बाद में बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया उसे उस दिन लगा देना आप नहीं सही है, जेन्युइन क्वेश्चन है उनका भाई, ऐसा हो जानता रहे उसको पता इतना रहेगा तो मैं देख हूँ, हाँ नहीं तो वो उस दिन लगाओ ना आप, फिर नहीं सर 20% प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी कि ब्याज पकड़, नहीं नहीं आउटस्टैंडिंग ऑफ द लोन, लोन दिया कितना था आपने और आज आउटस्टैंडिंग कितनी, जो अभी ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था, उसके हिसाब से उस दिन लगा देना आप सरफेस इनिशियल का 20%। चलो अब एक बात सुनिए जरा सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, फिर सर जब भी ये जो जब भी ऑक्शन होता है तो बारोवर्स को जो है ये बारोवर्स का राइट होता है सरफेसी एक्ट में कि अगर जो है लोन अमाउंट से जितना उसको लोन अमाउंट देना है अगर उससे ऊपर जितने का भी बिकेगा वो उसको मिले, बारोवर को मिलना चाहिए, बारोवर को मिलना चाहिए, तो जो हाँ, लेकिन जो एआरसी और जो होते हैं ये जो बेचते हैं जब ऑक्शन करते हैं तो उस वक्त जो है कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होता होगा जो बारोवर को मिलना चाहिए, बार नहीं तो डीआरटी में चला जाएगा, वो कहेगा कि इतने में मिला हमको, नहीं नहीं सुनिए बिका
सुनो, 100 लाख का लोन था, 120 लाख का बिका मकान जी, हाँ। तो जो 20 लाख है उसमें से एआरसी अपने खर्चे काट के बाकी वापस करेगा। हाँ करेगा ही करेगा बिल्कुल। और उसमें डीआरटी का कोई रोल नहीं है। चलो डीआरटी का रोल के लिए यहाँ सुनिए जरा, 100 लाख का लोन है, प्रॉपर्टी की सेल 60 लाख की हुई, बचा कितना बैलेंस? 40 लाख। इस 40 लाख को कैसे रिकवर करेगा बैंक? बोरोवर से कोर्ट जाएगा और डीआरटी जाएगा बैंक। अच्छा, 30 लाख का लोन है और 25 लाख का बिक गया, ये 5 लाख के लिए क्या करेगा बैंक? सिविल सूट में जाएगा सर? नहीं, इसमें भी डीआरटी में जाएगा। इसमें भी डीआरटी कोई केस, सुनो, कोई केस सरफेसी में लग गया, सरफेसी से रिकवरी नहीं हो पाया, तो कितने भी अमाउंट का हो उसके लिए डीआरटी में जाने की परमिशन है उसको, उसके लिए 20 लाख वाला क्लॉज नहीं है। डीआरटी मतलब सरफेसी के आगे रहता है क्या? पीछे? पीछे कितना भी लगेगा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सब 20 लाख का। कभी डीआरटी का नाम आता है, कभी डीआरटी का नाम सरफेसी के बाद आता है। डीआरटी में तो सब जितना भी खर्चा होगा वो इसके अंदर में होगा, उससे लिया जाएगा या कस्टमर वाले जो पैसा बचेगा उससे लिया जाएगा? खर्चा सारा कस्टमर से ही लेते हैं। जैसे 1 करोड़ का अपना वो है ईआरसी ने खरीदा है, उससे ऊपर जो होगा तो खर्चा उधर से काटेंगे या इधर 1 करोड़ में समायोजित करेंगे? नहीं, खर्चा एडिशनल लेगा, वो क्लेम करेगा डीआरटी में जाएगा कि 40 लाख तो बैलेंस है और 1 लाख मेरा कानूनी खर्चा भी दिलवा दीजिए, इससे दिलवाएगा वो। ठीक है सर। सर एक बात, ये डीआरटी का सर मुझे अमाउंट का बता दीजिए सर। आप 20 लाख का कुछ बता रहे थे उस समय, मैं सुन नहीं पाई थी। 20 लाख है डीआरटी में, कोई भी केस ले जाना हो तो 20 लाख का बैलेंस जरूर होना चाहिए या उससे ज्यादा। वो आउटस्टैंडिंग है जो डिफॉल्ट हो रहा है वो 20 लाख से कम या ज्यादा? देखो, जो आउटस्टैंडिंग होती है उसी अमाउंट को हम लोग डिफॉल्ट अमाउंट बोलते हैं, वो अमाउंट 20 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। सर सरफेसी से अगर वो जाएगा डीआरटी में तो फिर वो 20 लाख वाला कंडीशन डीआरटी में फॉलो होगा वहां पर सर या नहीं? नहीं, नहीं होता। मैं ये बताता हूं, एग्जांपल तो दिया मैं। सर जैसे सरफेसी एक लॉ है, वैसे डीआरटी तो एक अपीलिंग ट्रिब्यूनल है या फिर वो भी एक लॉ है? लॉ भी है और दफ्तर भी है। अच्छा, लॉ भी है, डीआरटी का अपना कानून भी है, अपना ऑफिस भी है। सरफेसी का केवल कानून है, उसका कोई अपना ऑफिस नहीं है। सरफेसी एक्ट जो भी इम्प्लीमेंट होता है वो डीआरटी के ऑफिस से होता है, अंडर द सरफेसी एक्ट। हाँ, अंडर द सरफेसी एक्ट में लिखा गया है कि बैंक के अगर डिस्प्यूट होंगे तो वो कोर्ट में जाना चाहेगा तो वो डीआरटी में जाता है। सर वन मोर डाउट सर, ये डीआरटी जाने से पहले कितना पैसा भरना पड़ता है सर डीआरटी का आउटस्टैंडिंग लोन पे? 50% 50% या जज जो थोड़ा लिबर्टी दे दे। और ये जो डीआरटी में अपील के लिए जाते हैं वो अक्सर जो है बोरोवर जाता है। एक पॉइंट मेरा सुनिए कि अगर बैंक डीआरटी गया और डीआरटी ने कोर्ट को डिसीजन, डीआरटी ने डिसीजन दिया कि आप इस आदमी से रिकवरी नहीं कर सकते, तो बैंक क्या करेगा? मैं बैंक से लिया हूँ, बहुत रखे मेरे पास सर। डीआरएटी के पास हम चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। हाँ, डीआरटी का अपीलेट अथॉरिटी है डीआरएटी, उसके ऊंचे वाले दफ्तर में जाएगा, चाहे वो बैंक हो चाहे वो बोरोवर हो। क्लियर हो गया सर? मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि 100 लाख का लोन है, अगर वो 40 लाख का बिकता है जो आपने एग्जांपल दिया था, तो बैंक डीआरटी जाएगी क्योंकि उसका पैसा वसूल नहीं हुआ। 60 लाख का बिकता है 40 लाख, तो डीआरटी कहाँ से दिला देगा क्योंकि बोरोवर के पास तो कुछ बचा नहीं, कोई सिक्योरिटी तो सेल हो गया। आंसर दे सकता है इनके क्वेश्चन का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। हाँ सर, उसका बरोबर का जो प्रॉपर्टी होगा वो सब दूसरी प्रॉपर्टी होगी ना सर उसकी? दूसरी प्रॉपर्टी पे अधिकार रिकवरी, सुनो,
रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करेगा और उस रिकवरी ऑफिसर को पावर देगा किसको उठा के लाओ, जेल में डालो, कुछ करो, इससे रिकवरी करो, तो जो भी प्रोसेस कानूनी हो सकते हैं वो सब इम्प्लीमेंट करेगा। इसे घर में रोज आना जाओ, वो गांव में बदनामी हो जाएगा इसका, ठीक है, तो कुछ देगा और नहीं देगा भैया वो भी कह देगा रिकवरी ऑफिसर कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ठीक हो गया, कर देगा ये, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहाँ एंड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।